ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्केयर में। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नोटिस राइटिंग, कि नोटिस कैसे लिखना सीखे। ये कई क्लास में आता है, क्लास सेवन्थ एट्थ में भी है और इसके बाद ट्वेल्थ में भी है, और जहां भी जिस भी क्लास में ये नोटिस टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। और फ्री के ये चार नंबर हमें दे के जाता है, तो आज देखते हैं कि फ्री के चार नंबर हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि नोटिस होता क्या है। तो नोटिस एक राइटिंग का एक शॉर्ट पीस होता है, क्योंकि आपको पता है इसकी वर्ड लिमिट बहुत थोड़ी सी होती है। इट इज अ फैक्चुअल एंड फॉर्मल इन नेचर, इट इज मेंट फॉर अ ग्रुप ऑफ पर्संस और जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये होता है कि ये नेचर में कैसा होता है, एक फैक्चुअल और फॉर्मल होता है। जब इसको हम लिखते हैं ना, तो इसका मतलब होता है हम लिख रहे हैं एक ग्रुप ऑफ पर्सन में, और जनरल पब्लिक को हम कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जब हम नोटिस लिखते हैं। नॉर्मली जो नोटिस होता है वो हमेशा कहाँ लगाया जाता है, ये हमेशा नोटिस बोर्ड पे लगाया जाता है, नोटिस बोर्ड पे, ताकि उसके बारे में जो भी जनरल पब्लिक है, स्कूल में है तो स्कूल के जो स्टूडेंट से स्टाफ है, उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ये होता है नोटिस के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अब हम देखते हैं कि कैसे नंबर बनाएंगे। चार नंबर बहुत आसान से है। देखो इसमें भी नंबर डिवाइड है, मैंने आपको बताया था कि जैसे लेटर में नंबर डिवाइड होते हैं, वैसे इसमें भी नंबर डिवाइड होते हैं। कि आपने जैसे ऊपर ये सही ऑर्गेनाइजेशन का नाम सही लिखा है, इंस्टीट्यूशन का नाम सही लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके बाद डेट एक सही मैनर में लिखी है, फिर ये लिखा है, फिर नीचे का, तो हर एक के नंबर डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको लिखते हैं कैसे। तो देखो, सपोज यू आर राम, एक एग्जांपल की सहायता से हम देखेंगे कि आप एक राम और आप स्टडी करते हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आप किसी एक स्कूल का नाम देते थे कि आप वहां स्टडी करते हो, और ये जो स्कूल है वो जूनागढ़ गुजरात में, एज यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन, कहते आप क्या हो, सेक्रेटरी हो आपके स्टूडेंट्स यूनियन की। तो आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस, आपको एक नोटिस लिखना है टेलिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2021, कि आपको अब आपको किसकी इंफॉर्मेशन देनी है, आप हो सेक्रेटरी हो किसके, आपकी जो स्टूडेंट्स यूनियन है उसके, आपको चिल्ड्रंस डे के बारे में बताते हुए एक नोटिस लिखना है। तो आपको यह पता चल गया कि आपको एज अ प्रिंसिपल बनके नहीं लिखना है, आपको क्या बनके लिखना है, स्कूल में जो भी नोटिस आते हैं या तो वो क्या होगा कि वो सेक्रेटरी होगा या स्पोर्ट्स का सेक्रेटरी होगा या प्रिंसिपल नोटिस लिखते हैं। तो हमें इसमें क्या बनके लिखना है, सेक्रेटरी ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन का। तो ठीक है, हम नोटिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम जिस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि जो स्कूल हमें क्वेश्चन में नाम दिया है, उसका कैपिटल लेटर में से नाम लिख देंगे, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और साथ ही साथ में उस जगह का भी नाम लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नोटिस, एक लाइन का गैप छोड़ देना यहां पे, फिर आप लिखोगे नोटिस, वो कैपिटल लेटर में लिख दोगे। कुछ क्या करते हैं, कुछ बुक्स में ऐसा होता है कि नोटिस नीचे दिया होता है, उससे पहले लेफ्ट साइड में डेट लिखी होती है, फिर नीचे नोटिस होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि यार नोटिस ऊपर होता है या नीचे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे सही मैनर यह है कि आप नोटिस लिखो, उसके बाद कैपिटल लेटर में नोटिस लिख के अंडरलाइन कर दो, फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी आप डेट लिख सकते हो, लेकिन सही ज्यादा यह रहता है कि आप लेफ्ट साइड में ही डेट लिखो। तो आप लेफ्ट साइड में कोशिश करना, लेफ्ट साइड में ही डेट लिखो, डेट लिख दो, उसके बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ो, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट क्या, आप क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हो, आप क्या बनाने जा रहे हो, उसको आप लिख दो कैपिटल लेटर में। और यह भी जरूरी नहीं है कि ये आप कैपिटल लेटर में लिखो या स्मॉल में, यहां पे आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो इसे, लेकिन सही ये रहता है कि आप इसे कैपिटल लेटर में लिखो और इसे अंडरलाइन कर दो। तो यहां तक देखो कोई चीज की दिक्कत नहीं है, जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है वो स्कूल का नाम लिखते हैं, जगह का नाम, नोटिस कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, फिर डेट लिख देंगे लेफ्ट साइड में, लाइन का गैप छोड़ेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर हमें लिखना है वो लिख देंगे, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में, लेकिन बेस्ट ये रहता है कि आप कैपिटल में लिखो, तो कैपिटल में लिख देंगे। सॉरी, उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जब भी हम कोई भी चीज सेलिब्रेट करने जाएं, यानी कि कोई भी नोटिस ऐसा हो जो हम लिख रहे हैं कि हम हमारे स्कूल में ये चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सेलिब्रेट करने के अगर ऊपर हम कोई चीज लिखें, टॉपिक लिखें, तो हमेशा ये लाइन कॉमन है, इसे पेट कर लेना, कौन सी, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट, यहां तक कॉमन रहेगी। जिन जिन चीजों में हम कोई सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करेंगे, तो वहां पर ऑर्गेनाइज लिख देंगे। सिर्फ ये लाइन कॉमन किस में नहीं रहेगी, सिर्फ ये लाइन यहां तक हम ऐसे नहीं लिख सकते जिसमें लॉस्ट या फाउंड का नोटिस लिखेंगे, कि कोई चीज गुम हो गई है, मिल गई है, तो वहां पे ये नहीं लिख सकते ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट और आवर स्कूल इज गोइंग टू सेलिब्रेट आई हैव लॉस्ट माय वाटर बॉटल।
तो कैसा अजीब लगेगा ना। तो ये वहां पे आप नहीं लिख सकते जब आपकी कोई चीज लॉस्ट हुई हो या फाउंड आपको कोई चीज मिली हो। बाकी आप यहां तक लिखोगे, उसके बाद आके क्या लिख दोगे उस टॉपिक का नाम कि क्या सेलिब्रेट करने जा रहे हो। तो चिल्ड्रंस डे है तो चिल्ड्रंस डे कब सेलिब्रेट कर रहे हो, तो 14 नवंबर 2021 को। यानी कि हमें कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ा यहां तक। अब कहां पे करने जा रहे हैं हम, ये सेलिब्रेट कहां पे करेंगे, तो वो लिख देंगे 8 आवर स्कूल कैंपस बोले, ऑडिटोरियम बोले, प्ले ग्राउंड बोले, कहां भी अगर दे रखा है। जैसे कई नोटिस में तो दिया होगा कि आप ये सेलिब्रेट अपने स्कूल कैंपस में कर रहे हो, ऑडिटोरियम में कर रहे हो, अगर नहीं दे रखा तो आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, आगे साथ साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दोगे कि देयर विल बी अ चिल्ड्रंस फेयर, यहां हम बच्चों का एक मेला लगाएंगे। द स्टूडेंट्स हु वॉन्ट टू इंस्टॉल देयर शॉप, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं अपनी शॉप वहां लगाना, मे गिव देयर नेम्स टू द अंडर साइन बाय टिल 8 नवंबर। बाय लगाएं या टिल लगाएं, इसमें यह हो गया कि जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो अपनी शॉप उस फेयर में लगाना चाहता है, वो अपना नाम कब तक दे दे, 8 नवंबर 2021 तक दे दे, क्योंकि हमें सेलिब्रेट करना है 14 नवंबर तक, तो हम पहले रेडी हो उसके। तो ये जो भी प्रोग्राम हम बनाएं जिस डेट को मना रहे हैं उससे पहले की यहाँ पे डेट डाल देंगे, कोई भी डेट अपने क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तो आप कोई भी डेट पहले की डाल देना, भी इस तारीख तक हमें अपना नाम दे दो, जो जो इस चीज में पार्टिसिपेट लेना चाहता है तो पार्टिसिपेट वाला तो पार्टिसिपेट लेगा, और कोई शॉप्स वगैरह इंस्टॉल करनी है तो वो। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। फिर एक लाइन का गैप छोड़ के अब हमें क्या मानना है, हमें मानना है कि सेक्रेटरी हैं हम किसके, स्टूडेंट्स यूनियन के, और आपका नाम राम दे रखा, तो सबसे पहले आप अपना नाम लिखोगे। शायद इसके बाद आपको विजिबल ना हो तो मैं बता देता हूं उसके नीचे ये क्या चीज है, ये सेक्रेटरी है। तो राम लिख के उसके नीचे आप लिखोगे सेक्रेटरी, उसका पद क्या है सेक्रेटरी, और उसके नीचे किसका सेक्रेटरी है ये, तो स्टूडेंट्स यूनियन का। फिर इसको चारों तरफ से क्लोज कर देना एक बॉक्स में। तो ये होता है आपका नोटिस। ये बॉक्स बनाने का पर्पज भी मैं आपको बता दूं क्यों बनाते हैं हम, क्योंकि हमारा जो नोटिस बोर्ड होता है वो सेम ऐसा ही होता है, और उस पर हम एक पेज चिपकाते हैं या हम उस पर कोई इंफॉर्मेशन लगाते हैं तो उस पर लगाते हैं, तो इसलिए हम इसको चारों तरफ से क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये आपके फ्री के 4 नंबर के नोटिस, अगर मान लो इसमें कोई टेंस रिलेटेड मिस्टेक हो जाती है तो 1 नंबर मैक्सिमम कट सकता है। तो ये थी नोटिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो वीडियो लेके आएंगे उसमें हम देखेंगे लॉस्ट या फाउंड से रिलेटेड अगर नोटिस आए तो कैसे लिखते हैं। ठीक है भाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।